लेटेस्ट फार्मेसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन। हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी गोना लर्न हाउ टू प्रिपेयर एंड सबमिट सल्फर ऑइनमेंट बीपी। फार्मास्यूटिक्स टू का जो एक्सपेरिमेंट नंबर फिफ्टी फाइव है उसे आज हम परफॉर्म करने वाले हैं और इस एक्सपेरिमेंट में सल्फर ऑइनमेंट कैसे बनाते हैं ये हम पढ़ने वाले हैं तो ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले आपको क्या क्या पता होना जरूरी है वट आर द प्रायर कंसेप्ट डेफिनेशन टाइप्स स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी ऑफ आयमेंट्स ऑनमेंट्स क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या होती है तो ऑनमेंट्स आर सॉलिड डोसेज फॉर सॉलिड डोसेज फॉर्म विच कंटेन्स मेडिकाट और मेडिकाेंट्स विच आर जनरली अप्लाइड ऑन एक्सटर्नल स्किन सर्विस ये डेफिनेशन या फिर ऑयममेंट के टाइप्स जो होते हैं मेडिका के जो थेरापिटिक यूजेज होते हैं अकॉर्डिंगली उसके जो टाइप्स होते हैं ऑयनमेंट के बेसिस के अकॉर्डिंग जो टाइप्स होते हैं वह हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और स्टोरेज कंडीशन क्या होती है स्टेबिलिटी क्या होती है ऑइनमेंट्स की ये भी हम थेरोटिकल पार्ट में देख चुके हैं सो so, आपको इन सारी चीज़ों का नॉलेज पहले से ही है अब न्यू कॉन्सेप्ट जो हम सीख सीखने वाले हैं यहाँ पे वो है फॉमुलेशन एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ऑइंटमेंट हालांकि थेरोटिकली हम ये भी कवर कर चुके हैं लेकिन आज हम प्रैक्टिकली पढ़ने वाले हैं कि उसे बनाते कैसे है सल्फ़र ऑइंटमेंट किस तरह से बनाया जाता है सो प्रोपोजिशन वन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज सल्फर इज़ अ इंसॉल्यूबल सॉलिड इनकॉर्पोरेटेड बाय ट्राईचूरेशन मेथड इन सिंपल ऑइनमेंट सल्फर जो होता है ये इन सॉलिड होता है इसीलिए हम उसे सिंपल ऑइनमेंट में ट्राईचूरेशन मेथड की मदद से इनकॉर्पोरेट करते हैं सो लेट्स सी द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट सो फर्स्ट इज इंटेलेक्चुअल स्किल टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ ऑइनमेंट ये जो ऑइंटमेंट हम बना रहे हैं उसका टाइप आपको समझना है और यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ द बेस और इसके साथ साथ जो प्रिपरेशन हम बना रहे हैं और जो बेस हमने यूज़ किया है उसके यूजेस भी आपको अंडरस्टैंड करनी है ओके एंड द मोटर स्किल यू हैव द एबिलिटी टू प्रिपेयर एंड लेबल द प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए जिसकी मदद से आपने जो थेरोटिकली चीज़ें पढ़ी है उसे हम प्रैक्टिकल नॉलेज में इम्प्लीमेंट कर पाए इसका मतलब आपको क्या आना चाहिए हमें जो सल्फ़र ऑइनमेंट बनाना है उसे आपको प्रिपेयर करना आना चाहिए और उसे लेबल भी करना आना चाहिए सो देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट हमें क्या क्या ज़रूरी है बीकर चाहिए मेजरिंग सिलेंडर चाहिए ऑइंटमेंट टाइल चाहिए और आइंटमेंट स्पेचुला चाहिए अगर आपने ऑइंटमेंट सिंपल ऑइंटमेंट पहले से ही बना लिया है तो बिकर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर आप फ्रेशली प्रपेयर सिंपल ऑइंटमेंट यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो बिककर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें जो वैक्सीस होते हैं वो मेल्ट करने होते हैं बिकर में और ये जिसका जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें इन्ग्रीडियंट कौन कौन से होते हैं ये अब हम देख लेते हैं कॉम्पोजिशन क्या है सल्फ़र ऑइंटमेंट का तो उसमें हमें चाहिए होगा प्रेसिपिटेटेड सल्फ़र जो फाइनली सिप्टेड होगा मतलब हमने शिफ्ट कर लेना है उसे फाइन सिव से जो हमें चाहिए होगा हंड्रेड ग्राम और सिंपल ऑइनमेंट चाहिए होगा नाइन हंड्रेड ग्राम अब ये जो टोटल फॉर्मूला दिया हुआ है ये दिया हुआ है वन थाउजेंड ग्राम के लिए और हमें बनाना है ट्वेंटी ग्राम एज़ पर मैनुअल ट्वेंटी ग्राम लेकिन हम बनाएंगे सिर्फ टेन ग्राम ओके और उसका लेबल जो होता है अप्लाई एज डरेक्टेड बाय फिजिशियन अब ये जो टेबल आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली है टाइप जो होता है वो होती है कैटेगरी ऑफ ईच इंग्रेडिएंट। ठीक है तो प्रेसिपिटेटर सल्फर ये जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी कैटेगरी है एंटीफंगल और सिंपल सिम्पल ऑइनमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एज अ बेस एक्ट करेगा प्रेसिपिटेटर सल्फर को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एज अ बेस सिंपल ऑइनमेंट ऐड करता है अब यहाँ पे जो थर्ड कॉलम आपको दिख रहा है क्वांटिटी गिवन इन इम्पेरियल सिस्टम तो यहाँ पे इम्पेरियल सिस्टम में क्वांटिटी दी ही नहीं है इसलिए ये कॉलम ब्लैंक रहेगा क्वांटिटी दी है हमें मेट्रिक सिस्टम में क्वांटिटी गिवन इन मेट्रिक सिस्टम दैट इज़ प्रसिपेटेड सल्फर वी रिक्वायर्ड इज हंड्रेड ग्राम एंड सिंपल ऑइनमेंट वी रिक्वायर्ड इज़ नाइन हंड्रेड ग्राम अब क्वांटिटी हमें किस चीज़ के लिए लेनी है मतलब टेन ग्राम हमें बनाना है प्रिपरेशन ओके तो क्वांटिटी हमें चाहिए होगी वन ग्राम ऑफ़ प्रसिपटेटेड सल्फर एंड नाइन ग्राम ऑफ सिंपल ऑइनमेंट तो कुछ इस तरह से फैक्टर कैलकुलेट हम करेंगे टेन अपॉन वन थाउजेंड इज़ इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो वन जिसे हम इस फैक्टर से इस क्वांटिटी को जो हम गिवन क्वांटिटी हमें मिली है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हमें क्वांटिटी क्वान्टिटी टेकनिमेट्रिक सिस्टम वो जो वैल्यू है वो मिल जाएगी ओके अब हम देखते हैं कि स्टेप वाइज प्रोसीजर क्या होता है तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है सिंपल ऑइनमेंट प्रिपेयर्ड इन द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट कैन बी यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट अब हमने जो सल्फर ऑइनमेंट बनाया है उसमें हमने फ्रेशली प्रिपेयर नहीं किया है सिंपल ऑइनमेंट का बेस हमने जो लास्ट एक्सपेरिमेंट में बनाया था वही हमने इस एक्सपेरिमेंट के लिए भी यूज़ किया है तो हमें सिंपल ऑइनमेंट की बनाने की जरूरत नहीं पड़ी तो हमने पिछले एक्सपेरिमेंट जो बनाया था वही इसलिए यूज़ किया है लेकिन सिंपल ऑइन का मैं जो प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है सल्फ़र जो हमें चाहिए होता है वो एक्यूरेटली वे करना है और वे करने के बाद उसे 180 माइक्रोमीटर साइज की सीव से पास कर लेना है जिससे वो क्या हो जाएगा फाइनली सिफ्ट हो जाएगा ओके ठीक है अब हमने क्या किया सिंपल ऑइनमेंट बना लिया हमारे पास तो ऑलरेडी अवेलेबल था सेकेंड में हमने सेकेंड स्टेप में क्या किया सल्फर को वे कर लिया सिफ्ट कर लिया वन एटी माइक्रोमीटर साइज़ की सीव से उसके बाद हमने एक ऑइनमेंट टाइल ली और उसके बाद उस पर पाउडर प्लेस की और पाउडर और बेस को लेविगेट किया लेविगेट मतलब क्या मिक्स किया मिक्स इन द पाउडर टू फॉर्म अ स्मूथ पेस्ट विथ टू और थ्री टाइम्स इट्स वेट ऑफ बेस एंड ग्रेजुअली इनकॉर्पोरेटिंग मोर बेस एंड होमोजिनस अब हमने लेविगेट किया पाउडर को और पेस्ट को उसे लेविगेट करने के बाद हमें क्या मिला एक स्मूथ पेस्ट फॉर्म हुआ जो हमने कंटेनर में फिल किया ट्रांसफर टू अ सुटेबल कंटेनर फिर हमने उसे कॉक किया और फिर उसे लेबल किया एंड सबमिट किया अब ये जो लेबल देखिए इस तरह से हमने ये लेबल बनाया है लेबलिंग का फॉर्मूला फॉर्मेट कैसा होना चाहिए तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए जहाँ पे आपके प्रिपरेशन का नेम आएगा सल्फर ऑइनमेंट पी फिर प्रिपरेशन का टाइप आएगा द आइंटमेंट उसके बाद आएगा क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हमने प्रिपरेशन बनाया है उसके बाद फॉर किसके लिए बनाया है पेशेंट का नाम डिस्पेंस्ड बाय मतलब आपका नाम क्योंकि आपने बनाया है राइट रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा रजिस्टर नंबर और उसके बाद डेट ऑफ़ मैन्युफैक्चरिंग या फिर डेट ऑफ प्रिपरेशन वो आएगा उसके बाद आएगा ग्रीन कलर में रिक्वायर स्टोरेज कंडीशन स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर जो भी स्टोरेज कंडीशन होगा हर एक प्रिपरेशन का अलग होता है सल्फर के लिए स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर ये स्टोरेज कंडीशन है तो हमने वहाँ पर राइट किया एडिशनल डायरेक्शन है कोई तो वो भी आपको लिखना है दैट इज़ कीप अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन क्योंकि सल्फर को हमेशा चिल्ड्रन के रीत से दूर रखना है अगर कोई डायरेक्शन दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट में तो आपको वो प्लेस करना है अप्लाई एज डिरेक्टेड बाय फिजिशियन ये है डायरेक्शन और लास्ट में आपको क्या करना है आपके इंस्टीट्यूट का नाम डालना है सो so, यहाँ पे मैंने ब्राइट फार्मा इंस्टीट्यूट इंडिया इस तरह से लिख दिया है आप अपना जो भी इंस्टीट्यूट का नेम होगा वह डाल सकते हैं मैन्यल में अब इस प्रिपरेशन का यूज़ क्या है तो सल्फ़र ऑइनमेंट जो है वो एकड़ी वलैर में मतलब पिंपल्स वगैरह आया है तो उसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं और ये एंटी फंगल भी है आपको स्केबिज वगैरह पता तो होगा ना तो स्केबिज़ क्या होता है दात खाज खुजली तो उसके ऊपर भी हम सल्फर ऑइनमेंट यूज़ कर सकते हैं नाउ वी विल राइट द रिज़ल्ट टेन ग्राम ऑफ सल्फर ऑइनमेंट इज़ सबमिटेड इन वाइट माउथ बॉटल फॉर इंस्पेक्शन विद स्पेशल इंस्ट्रक्शंस एज लेबल ऑन अप्लाई एज डिरेक्टेड बाय फिजिशियंस सो इस तरह से हमने ये एक्सपेरिमेंट कम्प्लीट कर लिया है इसकी प्रोसीजर है प्रोसीजर जो है ना वो किस तरह से हमने बनाया मैं आपको अभी बताने वाली हूँ आगे तो आप प्लीज़ उसे ध्यान से पढ़िएगा ध्यान से देखिएगा और मैन्यूल में जो क्वेश्चन होते हैं वो जिस तरह से आपके टीचर्स आपको ग्रुप में देंगे या फिर इंडिविजुअली राइड करने को देंगे या फिर हो सकता है कि सारे के सारे राइट करने को बोले तो उस तरह से आप राइट कर सकते हैं अब देखते हैं कि हमने वो एक्चुअली सेल्फर अपॉइंटमेंट बनाया कैसे से. तो यहाँ पर आपको येलो कलर की पाउडर दिख रही है और वाइट कलर का ऑयमेंट बेस दिख रहा है तो येलो कलर की जो पाउडर है वो है सल्फर पाउडर जिसे हमने एक ग्राम वे कर लिया है और उसे सीव की मदद से छान भी लिया है वन एटी माइक्रोमीटर के नंबर की जो सीव होती है उससे हमने सल्फर की पाउडर को पास कर लिया है और सिंपल ऑइनमेंट भी हमारा प्रिपेय है तो इस सल्फर पाउडर के और सिंपल ऑइनमेंट के हमने दो पार्ट्स बना लिए हैं अप्रॉक्सीमेटली ही बनाए हमने और उस में से एक एक पाउडर की जो पार्ट है और एक एक ऑइनमेंट पेस्ट का जो पार्ट है उसे हम मिक्स कर रहे हैं सबसे पहले वन पार्ट को हमने मिक्स किया है उसे अच्छे से होमोजेनाइज पेस्ट बनने तक हमें उसे ऑइनमेंट स्पैचुला की मदद से मिक्स करना है अच्छे से होमोजेनाइज करना है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे होमोजेनाइजेशन हो रहा है उसके बाद हम सेकेंड पार्ट जो होता है उसे भी मिक्स करेंगे तो ये अब धीरे धीरे हेमोजिनाइज़ हो रहा है एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट फॉर्म होने तक हमें इसे ऐसे ही चलाते रहना है और यहाँ पे होमोजेनाइजेशन हो चुका है एक स्मूथ पेस्ट फॉर्म हो चुका है अब पर है कि हम सेकेंड पार्ट को भी यहाँ पे मिक्स कर लें तो हम सिंपल ऑइनमेंट और सल्फ़र की जो नेक्स्ट क्वांटिटी है मतलब दूसरे जो पार्ट में बनाई हुई है इसे यहाँ पे ऐड करने वाले हैं तो ऐड करने के बाद इसे भी हमें एक सिंपल सॉरी होमोजेनाइज फॉर्म में अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हमें उसे अपने कंटेनर में फिल कर लेना है तो यहाँ पर होमोजेनाइजेशन हो रहा है और हमने हमारा प्रिपरेशन अभी ऑलमोस्ट बना ही लिया है और उसे हम अभी हमारे कंटेनर में फ़ील करेंगे तो कुछ इस तरह से दिख रहा है प्रिपरेशन कंटेनर में फ़ील करने के बाद वो क्या है कि हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे थोड़े से क्रिएटिव हैं तो उन्होंने उस पर यह हार्ड बना दिया है आशा है कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी अगर आप इसी टाइप के और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए ताकि हम और वीडियो बना सकें ये जो रेड कलर का एरो आप देख रहे हैं उसके सामने मेरे चैनल का लोगो है वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे जो फ्लैश हो रही है वो है मेरे रिलेटेड वीडियो की कुछ लिस्ट वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे रिलेटेड वीडियोज़ भी देख सकते हैं तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए ब्राइट फार्मा